जय माता दी सर मैम। जय माता दी, दी। क्या नाम है आपका? मैम वैसे तो मेरा नाम ज्ञानी देव है, पर हम बट जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोग हमें वास्तव कुमार के नाम में जानते हैं, वास्तव कुमार के नाम पे बुलाते हैं। वास्तव कुमार कहाँ से हैं आप? मैम वैसे तो मैं इंडिया से हूँ, पर हमारा गांव उत्तर प्रदेश है, वहीं से मैं छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ। ये जो आपने ये सूट पुट जो पहना है एज ए फॉर्मल, क्या बात है, इतना तैयार होके आयो, वेरी नाइस। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये आपका खुद का सूट है? नहीं सर, ये मेरा खुद का सूट नहीं है, ये जो सूट है ये मेरे दादाजी का सूट है, बट हम यहाँ पे आने के लिए ये सूट पहनकर आ गए हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि सर हम जहाँ भी कपड़ा खरीदने जाते हैं वहाँ के लोग मुझे कपड़ा नहीं देते हैं, मुझे दुकान से भगा देते हैं। क्योंकि सर हम आपको पहले बता दिए, क्योंकि हम नीच जाति से हैं, इसलिए नीच जाति को हमारे समाज में सम्मान नहीं मिलता है सर। जाति धर्म के नाम पर आज भी हमारे समाज में कुछ लोगों को उपेक्षित किया जाता है, जो कि हमारे इस विकसित समाज का एक कड़वा सच है, और इंडियन आइडल ऐसी मानसिकता का विरोध करता है। हमने के बैंड बजा बा, जब हमने से शादी में जाने सनो, हमने के वहाँ केहू ना पूछला खायला। इस लुक में मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि आपके साथ इतना कुछ बीता है। ऐसा गाओ कि दुनिया याद रखे, और घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। शुरू हो जाओ। ओके सर, थैंक यू। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा? हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा? पैसा न कौड़ी है, पैसा न कौड़ी है, पानी कौन पिलाएगा? हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा? हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा? अब तक जिसे अपना थमाना, आज उसी ने मेरा सब कुछ छीना। आज तक अब तक जिसे अपना थमाना, आज उसी ने मेरा सब कुछ छीना। गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा? हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा?
गरीबी में अपना सब कुछ खोया। आज तक अब तक मैंने कुछ भी न पाया। मैंने जिंदगी में अपना सब कुछ खोया। आज तक अब तक मैंने कुछ भी न पाया। दिल मेरा रोए रे बंधु, दिल मेरा रोए रे बंधु, दिलासा कौन दिलाएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। हम हैं गरीब, हमको रोटी कौन खिलाएगा। वेरी गुड, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। जब भी ये गाना कोई गाता है तो मुझे मेरे भाई की याद आ जाती है। कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है। मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज़ पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, आई डोंट थिंक आई एम केपेबल, लेकिन इतना टैलेंट देखते हैं कि ऐसा लगना शुरू हो जाता है हम कुछ नहीं हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम में कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा यूजलेस फील होना शुरू हो जाता है। तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है। माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है। बचपन में जिसने चलना सिखाया, पढ़ा के लिखा के काबिल बनाया। सबसे पहले आप सबको मेरा दिल से नमस्कार, प्रणाम सर। सर, ये कहानी मेरे बचपन की। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा बदमाश था सर, इसलिए मेरी माँ मेरी मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा पीटा करती थी, लेकिन प्यार भी बहुत करती थी, क्योंकि मैं उनका लाडला इकलौता बेटा था सर। और सर, जब मेरी माँ मेरी मम्मी मुझे दिन में नहीं दिखती थी तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती थी। और सर, ये 5 साल पहले की बात है। कुछ कारणवश हमें हमारी माँ से लड़ाई हो जाती है। हमें हमारे माँ से लड़ाई हो जाती है। हमारी माँ हमारे तरफ डंडा लेके दौड़ती है, और मैं अपनी माँ के डर से वहाँ से भाग गया। और भागते भागते वहाँ से बहुत बहुत दूर चला गया। और मैं उसी दिन ठान लिया कि मैं अपने घर कभी वापस नहीं जाऊंगा। और ऐसे करते करते एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन हो गए। फिर मुझे बहुत तेज भूख लगी, और हमारे पास कुछ खाने के लिए भी नहीं था, हमारे जेब में 1 रुपये भी नहीं था, क्योंकि हम जब घर से भाग रहे थे तो हम हमारे जेब में 1 रुपये भी नहीं था, और हम खाली हाथ वहाँ से भागे थे। तो मैं ऐसे ही भूखे पेट चलते रहा और चलते स्टेशन आ गया। और फिर 2 घंटे बाद हमारी ट्रेन भी आ गई। और मैं ट्रेन में चढ़ गया, और मुझे ये भी पता नहीं था कि ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी। कुछ देर बाद मैंने उस ट्रेन में गाना गाया,
और गाने से खुश होकर लोगों ने तालियां बजाया और मुझे कुछ पैसे की मदद की। और पैसे मिलने के बाद मुझे बहुत ही भूख लगा, तो मैंने ट्रेन में ही समोसा पाव खरीद कर खाया और तब जाके मुझे शांति मिली। और खाने के बाद मुझे नींद आ गई, मैं गहरी नींद में सो गया। और जब सुबह हुआ और फिर जब मेरी आँख खुली तो मेरे सामने एक लड़का और दो आदमी बैठे थे। उन्होंने कहा कि कल मैंने आपका आवाज़ और गाना सुना, आपकी आवाज़ बहुत ही मीठी है और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुरीली है, आपके गले में स्वयं सरस्वती माँ का वास है। ये कहकर उसने मुझे कहा कि आप इंडियन आइडल में क्यों नहीं जाते हैं, वहाँ आप एक बार ऑडिशन दो। तो फिर मैंने कहा कि मेरे पास तो एक रुपये भी नहीं है। तो वो लोग कुछ पैसे मुझे दिए और बोले कि तुम इंडियन आइडल में ट्राई ज़रूर करना। और फिर उनकी ये बात मुझे दिल से लग गई और यहाँ आप लोग के समक्ष आज मैं खड़ा हूँ। और सर, आज मैं अपनी माँ के ऊपर, मुझे माँ की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है, तो आज मैं अपनी माँ के लिए गाऊँगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को यही बताऊंगा कि अपने माँ बाप से लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि डांट में ताने में उनका प्यार होता है। ये बात कई लोग मुझे सुनकर नज़रअंदाज करेंगे, लेकिन मेरा यह बात वही लोग समझेंगे इनके माँ बाप नहीं है। इसलिए जब तक माँ बाप है उनकी सेवा करो, और लोगों को सेवा तो करने का मौका ही नहीं मिलता है। सर ठीक है सर, ओके। तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है। बचपन में जिसने चलना सिखाया, पढ़ा के लिखा के है काबिल बनाया, हाँ पढ़ा के लिखा के है काबिल बनाया। वो बूढ़े हुए जो अकेले हुए, वो बूढ़े हुए जो अकेले हुए, वो उन्हें साथ रखने का तेरा मन नहीं है, उन्हें साथ रखने का तेरा मन नहीं है। तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है। जन्म से तुझे है जिस्मान पाला, बड़ा हो के उसका छीन तू निवाला, हाँ बड़ा हो के उसका छीन तू निवाला। रखा कोख में था 9 माह जिसने, रखा कोख में था 9 माह जिसने, उसी माँ को रखने का तेरा मन नहीं है, उसी माँ को रखने का तेरा मन नहीं है। तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, तू जितनी भी चाहे दौलत कमा ले, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं है, माँ बाप से बढ़ के कोई धन नहीं। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम ज्ञानी एडोबर है। वाओ,
बहुत ही यूनिक नाम है आपका। आप कहाँ से आई हैं? मैम मैं कश्मीर से आया हूँ, बहुत ही दूर से आया हूँ मैम। क्या बात है, इतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत जगह से आए हैं आप, क्या बात। धन्यवाद सर। इससे पहले आपने किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है? हाँ मैम, मैंने पिछली बार परफॉर्मेंस किया था, मेरे साथ एक मेरी दोस्त आई थी। और इसी 10 जनवरी को मुझे उनके साथ गाने का मौका मिला था। वाओ, तो आपने गा लिया उनके साथ। लेकिन अफसोस मैम, उन्होंने मुझे छोड़ दिया मैम, क्योंकि हम लोग बचपन में एक साथ ही पढ़े थे और एक साथ ही बड़े होकर हम लोग सिंगर बने थे, और आखिरी समय पे आके लगता है उसे कोई और मिल गया, इसलिए वो मुझे छोड़ दी मैम। मुझे लगता है उनका जाना आपके लिए बहुत बड़ा लॉस है। मैम जब वो मुझे छोड़ के गई तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था और सोचने लगा कि मैं अपने सिंगल लाइफ में कैसे आगे बढ़ूंगा। तो अपने डिप्रेशन को हटाने के लिए मैं कुछ दिन के लिए घर ही छोड़ दिया था मैम। घर छोड़ दिया? हाँ सर, मैंने घर छोड़ दिया था। तो आज क्या गाने वाली हैं आप? मैम मैं अपने प्यार के लिए गाना गाने वाला हूँ, और इस गाने के माध्यम से मैं बताऊँगा कि मैं उससे बिना भी बहुत ही बड़ा सिंगर बन सकता हूँ। ओके, सही है, आर यू रेडी? से दुआ कर रहा हूँ कि भगवान इसको अच्छा गवा दिया, अच्छा गा लिया। नहीं मैम, मेरे पास पानी है, मैं पोटली में अपने साथ लेके चलता हूँ, बस आपका इजाजत चाहिए था, और मैं इसको रुको पी लेता हूँ। तैयार तो है मैम, पर क्या करें, गरीब है, थोड़ा नर्वस है, कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना मैम, क्योंकि हम गरीब हैं और पहली बार इंडिया आइडल में आए हैं। ठीक है, चलिए।
किसने पागल किया है, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे, मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी। दुल्हन का रूप सुहाना तुझे मुबारक हो। ये गाना सुनकर जाइए प्लीज। आइए आइए भाभी आइए। भैया इतना प्यार से गा रहे हैं, मैं भैया के लिए गा रहे हैं भाभी। एक जो कहते हैं कि एक जोड़ा जो होता है, नई शादी हुई है, हंसों का जोड़ा कहा जाता है हमारे भारतवर्ष में, कि जिंदगी ऊपर वाला कर्म करे कि इन लोगों की जिंदगी इतनी अमीरी में गुजरे, इतना कामयाब रहे ये लोग, किसी बात का आप लोगों को दुख ना हो, है ना। कहते हैं कि कलाकारों की दुआएं बहुत लगती हैं, तो मैं अपने तरफ से अपने भाई साहब को दुआएं दे रहा हूं। और एक वाक्या सुना रहा हूं इस कवाली के दरमियान कि ये कवाली है कांच की चूड़ियां। आप जो कांच की चूड़ियों की जो वैल्यू है, आज से मैं ये चीज बता देता हूँ कि ये आपको पूरे यूट्यूब पे, पूरे फेसबुक पे या गूगल पे कहीं नहीं मिलेगी। जी जी, मेरे घर में आज मैं 15वीं जनरेशन हूँ अपने घर में म्यूजिक का, और ये 15वीं जनरेशन से लोग गा रहे हैं, है ना। दुल्हन का रूप सुहाना तुझे मुबारक हो, पिया के देश को जाना तुझे मुबारक हो। गई अब तो बेला पिता की सखी, करके श्रृंगार जल्दी सजा दे मुझे, मेरे सजने में कोई कमी न रहे, ऐसी दुल्हन नवेली बना दे। हे सखी मैं, हे सखी कोई मई के सदा न रहा, जग जाहिर है कि मायके में कोई भी औरत सारी जिंदगी नहीं रहती, और भगवान न करे कोई रहे। हे सखी कोई मई के सदा न रहा, करके श्रृंगार हर दुल्हन को ससुराल जाना पड़ा। अब तो रोना सखी तेरा बेकार है, हंस के डोरी में जल्दी बिठा दे। छूटे माता पिता, छूटे भाई बहन, छूटे माता पिता, छूटे भाई बहन, छूटी बचपन की सखियां मेरी है सखी। अब तो साजन की गलियों में होगा गुजर, धोने वाली चुनरिया ओढ़ा दे मुझे। तो ये कांच की चूड़ियों की कहानी है, 10 मिनट लूंगा आपका। चूड़ी वाली आई मेरे गांव में, आके बैठी मेरे घर के छांव में, आ गई उस जगह और भी लड़कियां। चूड़ी वाली आई मेरे गांव में, आके बैठी वो घर के छांव में। एक बहुत ही गरीब परिवार रहता है जिसे घर में एक भी गहना नहीं होता है, लेकिन उसने बताया कि कांच की चूड़ियों की क्या कीमत है, है ना। चूड़ी वाली आई मेरे गांव में, आके बैठी मेरे घर के छांव में, आ गई उस जगह और भी लड़कियां। चूड़ी वाली
बोली किलो चूड़ियां कांच की 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 चूड़ियां देखिए तू कांच की। ये एक कहानी है, इसको जब आप सुनेंगे कि आप चालू रहें, मैं आपको रेस्ट नहीं करने दूंगा। कांच की चूड़ियां भी गजब चीज है, किस जुबान से कहूं ये अजब चीज है, देखने में तो शीशे की लगती है ये, कितने माओं के हाथों में सजती है ये। कांच की चूड़ियां कितनी अजब चीज है, देखने में तो शीशे की लगती है ये, कितने माओं के हाथों में सजती है। कांच की चूड़ियां देखिए दूर से, इसका रिश्ता है माथे के सिंदूर से, कांच की चूड़ियां दिल का अरमान है, कांच की चूड़ियां दिल का अरमान है, दोस्तों ये सुहागन की पहचान है, कांच की चूड़ियां कांच की चूड़ियां हो कांच की चूड़ियां कांच की चूड़ियां। आप लोग तालियां बजाते रहे, 1 2 3 4 कांच की चूड़ियां हो कांच की चूड़ियां कांच की चूड़ियां कांच की। किसी गांव में एक गरीब आदमी, यानी बेबस वो बदनसीब आदमी। सूरज भाई की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार आया, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। किसी गांव में एक बहुत गरीब आदमी था, उसकी ये कहानी है। था किसी गांव में एक गरीब आदमी, यानी बेबस बदनसीब आदमी, आज तनख्वाह के उसके पहला दिन था, घर में चारों तरफ खुशियों का दिन था, बोली शौहर से बीवी बड़े प्यार से, मेरी शादी को कितने बरस हो। आज तनख्वाह के उसका, आज घर में तनख्वाह का दिन था, वेतन मिलता है पेमेंट, तो उसकी बीवी ने उससे कहा, भाई गौर करेंगे आप, कि बीवी ने कहा कि हमारी शादी को कितने बरस हो गए। बोली शौहर से बीवी बड़े प्यार से, मेरी शादी को कितने बरस हो गए, कान में कच कड़े की भी जेवर नहीं, जिस्म पे देखो मेरे तो तेवर नहीं, जैसे पहनी है उषा और नीलू की माँ, वैसे सोने की कंगन तुला दे मिया, कह रही हूँ तुझे मैं कई साल से। बीवी कह रही है अपने पति से, कह रही हूँ मैं कई साल से, हाथ में मेरे जचती नहीं अब है ये, कांच की चूड़ियां 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 हो कांच की।
वाला शोहर की सुन मेरी प्यारी लता, अपने घर की तो हर बात तुझको पता। जब पत्नी ने कुछ सोने की जेवर मांगे अपने पति से, तो पति ने कहा, घर के सारे हालात तुम्हें पता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये शेर है कि बोला शोहर की सुन मेरी प्यारी लता, अपने घर की तो सब बात तुझको पता। मुझको मिलता है तनख्वाह में बस 250, उसमें खर्चा है देखो तो इफराद नो। अपने घर का किराया भी तो 30 है, उसमें बच्चों के स्कूल की फीस है। माँ महीनों से मेरी तो बीमार है, बूढ़े बाबा का चलना भी दुश्वार है। घर की इतनी दयनीय स्थिति की, माँ बीमार है, बच्चों की फीस है और बूढ़े बाबा बीमार है। माँ मेरी तो महीनों से बीमार है, बूढ़े बाबा का चलना भी दुश्वार है। मैं से बतलाऊँ मैं घर की उलझन तुम्हें, कैसे ला दूँ मैं सोने की कंगन तुम्हें। मैं कैसे बताऊँ कि घर की क्या उलझन है और कैसे मैं ला दूँ तुम्हें सोने की कंगन। कैसे बतलाऊँ मैं घर की उलझन तुम्हें, कैसे ला दूँ मैं सोने की कंगन तुम्हें। इतना जब पति ने कहा तो पत्नी का क्या हाल हुआ। बात शोहर की सुनकर दुल्हन रो पड़ी, बहस सीने से लग कर के कहने लगी। अपने पति के गले लग गई इतना सुन के, और उसने कहा, तू सलामत रहे मुझे गम नहीं। सरे बाबा नी सरे सरे बमरे नी सरे बमरे नी रे सा। तू सलामत रहे मुझे गम नहीं, मेरे सरताज सोने से कुछ गम नहीं।